आपको ये नहीं सोचना है कि आप किसी और से बेहतर कैसे बने। आपको बस इस पर ध्यान देना है कि क्या आप अपने कल से बेहतर हुए, क्या आप आज और लविंग बन रहे हैं और काइंड हो रहे हैं, आपके रिलेशनशिप्स में और ट्रस्ट आ रहा है। अपने बारे में ये अवेयरनेस होना योग है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 2 ऑफ द सात्विक योगा बिगनर कैंप। आज हम आउटडोर्स मिल रहे हैं। अगर हो सके तो आप भी अपना लैपटॉप और मैट लेकर बाहर चले जाएं एंड ट्राई एंड प्रैक्टिस इन द फ्रेश एयर अंडर द सनलाइट इफ पॉसिबल। सो वी विल फोकस ऑन द लेग्स इन टुडेज प्रैक्टिस। हम स्टैंडिंग पोज में स्टार्ट करेंगे, तो मैट के ऊपर आ जाएं टुवर्ड्स द टॉप। पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप रखेंगे, हिप विड्थ डिस्टेंस गैप, एंड ग्राउंड डाउन फर्मली। अपना सारा ध्यान अपने पैरों के तलवों पर ले आइए। नाउ स्ट्रेच द टोज आउट। तो जो आपका पंजा है पैरों का, उसको हम अच्छे से खोलेंगे ताकि आपको अपने पैर के तलवे और अच्छे से महसूस हों, और फिर मैट पर ग्राउंड डाउन करेंगे। अपने पंजों को मैट पर ले आएं, अपनी पीठ को एकदम सीधा रखें, अपनी टेलबोन को टक कर लें, तो आपकी हिप्स बाहर नहीं निकली होनी चाहिए, अंदर की ओर आ जाएंगी। शोल्डर्स पुल्ड बैक, चेस्ट ओपन। गहरी सांस लीजिए, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। गहरी सांस, एक्सहेल, वेरी नाइस। अब अगले इनहेल के साथ हम चेयर पोज में आएंगे। सो सिट बैक लाइक यू सिट इन अ चेयर, उत्कटासन। यहाँ पर ध्यान रखना है कि घुटने जो हैं आपके टोज से आगे ना जाएं। सिट बैक एंड ब्रीथ। इनहेल कम अप, एक्सहेल चेयर पोज। इनहेल ऊपर आ जाएं, एक्सहेल चेयर, इनहेल एक्सहेल चेयर, लास्ट टाइम इनहेल एक्सहेल चेयर, वेरी गुड। वापस ऊपर आ जाएं। अब आपका राइट पैर पीछे जाएगा एट अ 60 डिग्री एंगल, आगे वाला घुटना 90 डिग्रीज पर रहेगा, परपेंडिकुलर टू द मैट। और हम इनहेल के साथ हाथों को ऊपर ले जाएंगे इन वीर भद्रासन 1। स्टे एक्टिव इन द बैक लेग। तो जो पीछे वाला पैर है उसको हम बहुत फर्मली मैट पर रख रहे हैं, सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ब्रीद, वेरी नाइस। रिलीज, कम टू द टॉप। सेम चीज दूसरी साइड करेंगे। लेफ्ट पैर पीछे जाएगा, राइट पैर आगे रहेगा। इनहेल, हाथों को ऊपर ले जाएंगे। जो आपका टॉर्सो है वो आपकी नी, सामने वाली नी की तरफ फेस कर रहा है। एंड ब्रीथ, वेरी नाइस। रिलीज द आर्म्स, स्टेप टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द मैट। इनहेल, हाथों को ऊपर ले जाएंगे, स्ट्रेच। एक्सहेल फॉरवर्ड फोल्ड, उत्तनासन। तो हाथों को मैट पर ले आइए। आप अपने घुटनों में बेंड रख सकते हैं। अब एक पैर को सीधा करेंगे, दूसरे को फोल्ड करेंगे, बेंडिंग वन नी एट अ टाइम। इनहेल
टेबल टॉप अर्धा उत्तनासन. तो पीठ को हम सीधा करेंगे लाइक अ टेबल. इनहेल डीपली, एक्सहेल फॉरवर्ड फोल्ड. एक एक करके हम दोनों पैरों को मैट पर पीछे की ओर ले आएंगे इन प्लैंक पोज. जस्ट रॉक बैक एंड फोर्थ. अब लेफ्ट घुटने को मैट पर ले आइए और राइट पैर को पीछे की ओर हम स्ट्रेच करेंगे. सो आप अपने टोस पर हैं बैक फुट के. यू जस्ट मूविंग बैक एंड फोर्थ. तो जो आपकी काफ मसल है आप उसको स्ट्रेच कर रहे हैं. वेरी नाइस. अब राइट घुटने को मैट पर ले आइए और लेफ्ट पैर के टोस पर आ जाइए एंड जस्ट स्ट्रेच आउट द बैक फुट. And enjoy each moment on your mat. Very nice. Swing your legs to one side and come into seated. Stretch your legs in front. Come into dandasan. तो हमारे हाथ हमारी hips के एकदम बगल में हैं. पैर सामने खुले हुए हैं. Stretched. And you are active in your legs. पीठ एकदम सीधी है. And breathe. Inhale, हाथों को ऊपर ले जाएंगे. Exhale, forward fold. So you can grab your big toes or you can even grab your heels. बस ये ध्यान रखना है कि पीठ को elongate करते रहना है. So chest is coming closer to your thighs and breathe. गहरी सांस लीजिए और पैर में जो स्ट्रेच महसूस हो रहा है उस पर अपना ध्यान रखिए. Very nice. Come up. अब हम राइट पैर को फोल्ड करेंगे. जो आपका राइट हाथ है वो राइट घुटने के अंदर की ओर आएगा. अब यहाँ पर हम हाथ को इंटरनली रोटेट करेंगे, मतलब अंदर की ओर फोल्ड करेंगे और राइट घुटने के अराउंड इसको रैप करेंगे. लेफ्ट हाथ हमारा इंटरनली रोटेट होगा और पीछे जाएगा और हम लेफ्ट हाथ की कलाई को राइट हाथ से पकड़ेंगे और फॉरवर्ड फोल्ड करेंगे. यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट अलाउ ग्रेविटी टू डू इट्स वर्क. इनहेल डीपली, एक्सहेल. इनहेल एक्सहेल. ऊपर आ जाएं. लेफ्ट पैर को फोल्ड करेंगे. लेफ्ट हाथ अंदर की ओर आएगा. इंटरनली रोटेट एंड देन रैप इट अराउंड योर लेफ्ट नी. इंटरनली रोटेट राइट आर्म, टेक इट बिहाइंड. और इस बार राइट हाथ की कलाई को लेफ्ट हाथ से पकड़ेंगे एंड देन फॉरवर्ड फोल्ड. मरीच आसन. ब्रीथ. वेरी नाइस. रिलीज. अब राइट पैर को हम फोल्ड करेंगे इस तरह से कि जो आपकी राइट हील है वो आपके हिप के एकदम बगल में है, लगी हुई है, जितना अंदर ला सकते हैं उतना. फिर दोनों हाथों को रेज करेंगे. इनहेल एक्सहेल के साथ फोल्ड ओवर योर लेफ्ट फुट. स्पाइन को, लोअर बैक को इलोंगेट करते रहें तो आपको अपने लेफ्ट हैमस्ट्रिंग में बहुत गहरा स्ट्रेच महसूस होगा. यहाँ पर
Gehri saans lijiye, allow your breath to reach your left leg so that the stretch is deepened. Inhale, come back up. Release. Left pair ko fold karenge, keeping it very close to your hip. Inhale, raise your arms. Exhale, forward fold. Jahan tak ho sake, dono hips ko mat par hi rakhna hai. And breathe deeply. Keep your awareness on your right leg. Inhale, come back up and release. अब हाथ आपके पीछे जाएंगे और जो आपका right knee है वो left heel पर आएगा. So it's like a figure four. You can come onto your elbows also. Just release the legs. Breathe. The other side, left ghutna aapke right heel par aayega. Very nice. Ab hum haathon ko piche place karenge aur hum reverse table mein jayenge. So, lift your body and balance on your hands and your feet. And release. Very nice. Now take upavishta konasan. To pairo ko hum side mein kholenge jitna comfortably ho paaye. And then bring your fingertips in front. जितना गहरा स्ट्रेच हो सके आप वहां तक जाइए बट मेक श्योर यू आर नॉट एक्सपीरियंसिंग एनी पेन. ब्रीथ. अब देखिए अगर आप राइट नी को फोल्ड कर सकते हैं सो दैट इट फेसेस बैकवर्ड्स और लेफ्ट पैर आपका स्ट्रेच्ड है. ग्रैब द बिग टो ऑफ द लेफ्ट फुट और हम राइट हाथ को ऊपर ले जाएंगे बेंडिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट फुट. सेंटर में आ जाएं. Now see if you can bend the right knee. Grab the right toe. Sorry, the left knee. And grab the right toe. Left hand ko upar le jayenge. Stretching, bending towards the right. Gehri saans lijiye. Release and lie down on your back. Left ghutne ko andar layenge. Grab your big toe with your right piece fingers aur koshish kariye right pair ko seedha karne ki jitna comfortably ho paaye.
अगर ज़रूरत पड़े आप घुटने में बेंड रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम. जस्ट एक्सपीरियंस अ नाइस स्ट्रेच इन योर हैमस्ट्रिंग्स. ब्रीथ. नाउ सी इफ यू कैन टेक द लेग टुवर्ड्स द राइट. राइट साइड की ओर पैर को ले जाने की कोशिश करेंगे, खोलने की कोशिश करेंगे. वापस ऊपर ले आइए. सुप्त पादंगुष्ठासन, नी टू नोज. तो अपने टॉर्सो को ऊपर उठाएंगे एंड देन रिलीज. लेफ्ट नी को अंदर ले आइए. राइट पैर सीधा रहेगा. ग्रैब द बिग टो एंड एक्सटेंड. ब्रीथ. कोशिश करिए पैर को लेफ्ट की ओर ले जाने की. वापस ऊपर आएगा पैर. योर नोज कम्स टुवर्ड्स द नी. अपने चेस्ट को उठा लीजिए मैट से. ब्रीद माय फ्रेंड्स. एंड रिलीज. दोनों नीज को अंदर ले आइए. हाथों को साइड में स्ट्रेच करेंगे एंड देन टेक योर लेग्स टुवर्ड्स द लेफ्ट. और आपकी दृष्टि राइट की ओर जाएगी. सो योर फेस टर्न्स टुवर्ड्स द राइट. कम बैक टू सेंटर. देन टेक द लेग्स टुवर्ड्स द राइट. दृष्टि लेफ्ट की ओर जाएगी. रिलीज. लाई डाउन ऑन योर बैक्स. टाइम टू टेक शवासन माय फ्रेंड्स. आप शवासन में 5 से 10 मिनट तक रिलैक्स करिए. इफ यू आर आउटडोर्स एंजॉय द एयर द सनलाइट. थैंक यू फॉर योर प्रैक्टिस माय डियरेस्ट फ्रेंड्स. हम कल मिलेंगे. नमस्कारम. इफ यू वॉन्ट टू लर्न द योगा फिलॉसफी इन डिटेल एंड वॉन्ट टू डीपन योर आसना एंड क्रिया प्रैक्टिस, जॉइन अस फॉर द 21-day योगा चैलेंज. यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो.